संजय सिंह को नहीं मिली राहत, 13 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में ही रहना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अभी प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर ही रहेंगे। अदालत ने संजय सिंह को एक बार फिर ईडी की रिमांड पर भेजा है। संजय सिंह की रिमांड अवधि 10 अक्टूबर यानी आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को अदालत में पेश किया था। जांच एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आप सांसद संजय सिंह को रिमांड पर भेज दिया है। अदालत में ईडी ने 5 दिनों के लिए संजय सिंह की रिमांड मांगी थी। अदालत ने 13 अक्टूबर तक संजय सिंह को हिरासत में भेजा है। इससे पहले अदालत में ईडी के वकील और संजय सिंह के वकीलों ने जबरदस्त दलीलें दी थी। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही ईडी ने यह भी कहा है कि रिश्वत मांगने के सबूत है। अदालत में जानकारी दी गई है कि फोन के डाटा को लेकर संजय सिंह ने ठीक से जवाब नहीं दिया है। मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दे जितना दे सकते हैं। इतने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई।